हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए व्रत स्पेशल आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे एक महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लच्छा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार आलू लिया है, कच्चा आलू है और वेट में देखा जाए तो 400 ग्राम के लगभग में आलू है। और इसको मैंने छील कर पानी में डालकर रखा है, नहीं तो आलू काले पड़ जाते हैं। अब हम इसको ग्रेट करेंगे, यानी कि कद्दूकस करेंगे। तो जो मोटा वाला ग्रेटर होता है उसी से हमें लच्छे निकालना है, बारीक वाला से नहीं करना है। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो लच्छे इसके टूट जाएंगे। तो इसको हमें इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से इस तरह से लच्छे निकाल लेना है सारे आलू के। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के लच्छे निकले हैं इसकी। अब देख सकते हैं बिल्कुल बड़े बड़े लच्छे निकले हैं। तो अब हम इसको पानी में डालेंगे। तो इस बॉल में मैंने साफ़ पानी लिया है। इसी तरह से हम लच्छे निकालते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे। पानी में डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। इसी तरह से हम सारे आलू के लच्छे निकाल लेंगे। और अब देख सकते हैं मैंने सारे आलू के लच्छे निकाल लिया है। अब हम इसको वॉश करेंगे। तो इसको हमें करीब 7 से 8 बार अच्छे से वॉश करना है। इसको इस तरह से पानी से निकालते जाएंगे और साफ़ पानी में डालेंगे। इसी तरीके से हमें अच्छे से वॉश करना है, या फिर आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करके 4-5 बार इसको धो सकते हो। ध्यान रहे आलू में बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी नमकीन है वो बाद में सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसे हमें तब तक वॉश करना है जब तक इसके सारे स्टार्च निकल ना जाए और पानी बिल्कुल क्लीन ना हो जाए। और इसको हमें आराम आराम से धोना है ताकि इसके लच्छे टूटे नहीं। और अब देख सकते हैं मैंने इसको करीब 7 से 8 बार वॉश किया। आप देख सकते हैं पानी कितना क्लीन है, इसके सारे स्टार्च निकल गए हैं। अब हम इसे पानी से बाहर निकालेंगे। इसको इस तरह से हल्के हाथों से पानी निचोड़ते हुए हमें इसे किसी टॉवल के ऊपर फैलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कॉटन का टॉवल इस तरह से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से आलू के लच्छे डालते जाएंगे पानी में से निकाल कर हल्के हाथों से निचोड़ते हुए। और इस टॉवल के ऊपर हम पतला सा इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, या फिर आप चाहे तो इसको पंखे के नीचे रख सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं सुखाना, बस हमें इतना सुखाना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से फैला कर रखना है तौलिए के ऊपर। तो करीब 10 से 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ, बस इसका पानी सूख गया है, देख सकते हैं। तो बस इतना ही इसको सुखाना था। तो अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। और लच्छा नमकीन फ्राई करने के लिए तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। तो तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक इसमें लच्छा डालेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लच्छा डाला अचानक से ऊपर आ गया है, तेल हमारा अच्छा गर्म है। अब हम इसमें लच्छा डाल देंगे। तो एक बार में जितना कढ़ाई में आप डाल सकते हैं डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस इतना डालना है जितना कि आसानी से फ्राई हो सके। जब आप इसमें लच्छे डालेंगे तो अचानक से तेल से बबल्स आने लग जाएंगे और इसके बाद थोड़ी देर में ये शांत हो जाएगा। फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई रखना है और इसको हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। और ध्यान रहे लच्छा डालने के तुरंत बाद हमें इसको नहीं चलाना है। जब इसमें फेन यानी कि बबल्स कम हो जाए इसके बाद इसे हल्का सा हिला देंगे और इसको हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो अब देख सकते हैं मैंने इसको करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है और लच्छे सारे क्रिस्पी हो गए हैं। देख लच्छा को हम हाथों से दबाकर देखेंगे तो अब देख सकते हैं लच्छे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो हम इसको निकाल लेंगे। इस स्टेज पर आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, नहीं तो इसके कलर बहुत ही तेज़ी से चेंज होने लगते हैं। और सारे लच्छे को एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लीजिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, या फिर आप कॉटन के कपड़े के ऊपर भी इसको निकाल सकते हैं। और बाकी के सारे लच्छे हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपको देखकर ही लग रहा होगा हमारे लच्छे कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे लच्छे फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी के लगभग मूँगफली, आधा कप के लगभग मूँगफली है ये, यानी कि 150 ग्राम के लगभग में होगा। और इसे हमें गैस को ऑफ करने के बाद डालना है क्योंकि तेल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो पहले हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसके बाद हम इसे कुछ सेकंड तक तेल में रखेंगे और इसके बाद साथ के साथ हम इसका निकाल लेंगे। आप तुरंत ही इसका कलर चेंज हो जाता है। यदि आप इसे ज़्यादा देर तक तेल में छोड़ोगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। और बस इतना ही इसको फ्राई करना था। और अब मैंने लिया है यहाँ पर करी के पत्ते। यदि आप व्रत में करी के पत्ते नहीं खाते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो करी के पत्ते को हम इस तरह से थोड़ी देर तक तेल में डीप करके रखेंगे और जैसे ही करी के पत्ते क्रिस्पी हो जाए इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और ध्यान रहे ये प्रोसेस आप सावधानी से करें क्योंकि जैसे ही आप करी के पत्ते तेल में डालेंगे तेज़ छींटे आते हैं, तो ये प्रोसेस आप अलर्ट होकर करें। तो नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम सारे लच्छे डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था। इसके साथ ही हम इसमें मूँगफली भी ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ, और करी के पत्ते भी डाल देंगे। और अब मैं डालती हूँ इसमें सेंधा नमक यानी कि व्रत का नमक आधा छोटी चम्मच के लगभग में, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी
काली मिर्ची का पाउडर 2-3 चुटकी के लगभग में, और 2-3 चुटकी हम इसमें ऐड कर देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। और इसके बाद हम इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर आप हल्के हाथों से मिलाएं, क्योंकि लच्छे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है तो टूट सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से आप मिला सकते हैं उठाकर। ये देखिए, इससे लच्छे आपके टूटेंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार हुए। आप इसे 1 महीने तक भी रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट जैसा लच्छा नमकीन बनकर तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।